हमारे आदरणीय रेहान सर बैठे हुए हैं, साजिया मैम बैठी हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। लोगों का सपना होता है कि किसी बड़े मंच पर जाने का उनको अवसर मिले, उनको मौका मिले। मैं अभी सोनी चैनल पर इंडियाज लाफ्टर चैलेंज में सेमीफाइनलिस्ट भी हूं। तमाम चैनलों ने मेरा इंटरव्यू लिया, अखबारों ने इंटरव्यू लिया और मुझसे कहा कि आपके जीवन का ये सबसे बड़ा मंच है। तो मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ा मंच ये नहीं है, सबसे बड़ा मंच वो होगा जब दुबई मुझको बुलाएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मंच ये है। कहने जब इंसान कोई सपने देखता है अगर वो पूरे ना हो तो भगवान अपने दूत भेज देता है। तो रेहान सर को हमारा दूत भगवान ने भेजा है, मुझे यहाँ पर बुलाया है, साजिया मैम को बुलाया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरे विषय में सर बता ही चुके हैं, मैं कानपुर में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे अनोखा शहर है हिंदुस्तान का। कभी आप कानपुर आइए, और आप लोग तो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोग ही हैं। आप हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाइए तो अलग अलग चीज़ वहाँ पर लिखी मिलेगी। कभी आप आगरा जाइए तो रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप लखनऊ जाइए तो लिखा होगा राजा ठंडाई आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, वहां पे लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ सर। हाँ सर, बिल्कुल सही, आप कभी आइए तो जी आइए, कभी भी आइए, कभी भी आइए, स्वागत है आपका सर। तो सर अद्भुत शहर है हमारा, इतने अद्भुत लोग आपको मिल जाते हैं। मैंने सर रेहान सर जीवन का सबसे बड़ा पाप ये कर दिया कि कानपुर के एक लड़के से टाइम पूछ लिया। मैं हरियाणा के कवि सम्मेलन से लौटा तो कानपुर हमारी घड़ी खराब, हमने कहा भाई सर टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कह रहे गुरु ऐसा तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है और तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। हमने कहा यार टाइम खराब है, टाइम ना बताओ, ये तो बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो कहने लगा एक लड़की से हमने कहा बड़ी कमजोर हो गई, ये कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई और तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, क्या कहने, यहां से तुरंत चले जाओ, हमारा मूड बहुत खराब है। तुमने कहा मूड क्यों खराब है, कहने लगे गुरु हम एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम इसको दुनिया की सबसे संस्कारित और सबसे धार्मिक लड़की समझते थे, हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तुमने कहा गुरु हुआ क्या, कहने लगे हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है और उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल, तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के, और एक लड़का तो कल हमारे कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है, ताली जोरदार बजा दीजिए एक बार। क्या कहने पांडे जी, क्या कहने। तो सारा हमारा ये शहर है बहुत अद्भुत शहर है हमारा, कभी आप कानपुर आइए, आपको ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जो पूरे देश में नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। अभी एक महीने पहले हमारे उत्तर प्रदेश में भी सफाई अभियान चल रहा था, अभी एक महीने पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया, शाम को मंत्री जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से साहब आया हूँ, इतने अद्भुत लोग आपको मिलेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक दिन तो सर सुबह 7 बजे एक यादव जी हमारे पास आ गए, यादव जी हमारे अंकित भाई हैं, उनको मालूम उनके दोस्त हैं, यादव जी 7 बजे आ गए, कहेंगे पांडे जी आप तो चैनलों में आते हैं बड़े कवि हैं, हमको आशीर्वाद दे दो। तुमने कहा सुबह 7:30 बजे आए हो, किस बात का आशीर्वाद, कहेंगे गुरु हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा शेर के साथ कोई सेल्फी लेता है, तो उसने कहा क्यों मोदी जी जा सकते हैं, मोदी जी गए थे ना शेर के साथ, वो सेल्फी ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके साथ चलती है, तेरी क्या व्यवस्था है। तो उसने कहा पांडे जी चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। और वो यादव जी गए, उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 2 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी याद में एक मुशायरा है, सही बता रहा हूं मैं आपको, जिसके चीफ गेस्ट हमारे रेहान सर हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश इतने अनोखे लोग हैं सर। मैं तो 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा। हमारे भाई हमको लेके आए हैं, हमारे सर ने जिम्मेदारी लगाई थी कि हेमंत पांडे को सुरक्षित कानपुर से लेके आना, तो कानपुर वालों भरोसा नहीं है। रेहान सर ने 2 साल पहले हमको बुलाया था लखनऊ के इसी शो में बुलाया था, इसी मुशायरे में, तो वहाँ कुछ विवाद हो गया था, तो सर ने कहा बेटा लौट जाओ, ये मुशायरा जब दुबई में होगा तब हम तुमको बुलाएंगे। ये दुबई वाला भी मुशायरा हमसे छूटते छूटते बचा। मेरी फ्लाइट थी रात में 1:45 पे 8 तारीख की, और मैंने सोचा कि अगले दिन है 9 तारीख की 1:45 की दोपहर में है, तो हमको जो भाई लेके आए थे
तो हमसे, हमने कहा कि भैया हम तो कल 1:30 बजे पहुंच जाएंगे, तो कहने लगे यार पांडे जी इतने बड़े कवि हो, तुमको एम नहीं दिखता है, तुमको एम समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा जब से गुजरात वाले नेताजी ने रात में 8 बजे का भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद, तब से हमको एम नहीं दिखता, केवल पीएम दिखता है। सही बता रहा हूं मैं आपको, सही बता दूं सर। तो हमारे साथ तो यह हो जाता है साहब, मैं 10-15-20 मिनट आपके बाद रहूंगा। हमारे हाफिज साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े शायर हैं, कितने लोग इन पे मरते हैं, कितने गिफ्ट आते होंगे इनके पास में, और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि हाफिज भाई खुद नहीं गिन पाते हैं। तो हमने भी एक लड़की से कहा कि अपने बॉयफ्रेंडों के लिए इतने गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो, तो उसने सर पुलिस भिजवा दी। तो हमारे साथ तो ये होता है, हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती है तुमसे मिलेगी मेरी जूती, और हमारे हाफिज सर कहते ये तो सेलिब्रिटी है, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, द्वार हमारे खुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये साफ होता है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। साजिया मैं आपको बता दूं, मैंने एक सबक लिया है, एक सबक अभी मैंने ये लिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हराम खोर उसकी आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं रुलाना चाहिए। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ सर। और रेहान सर मैं प्यार मोहब्बत से इसलिए भी दूर रहता हूँ, लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की से आप कुछ भी पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। तो उसने कहा कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब लड़कियों से। अच्छा सर, लड़कियों की एक बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं, बुरा वक्त कब आ जाए और बुरा भक्त कब आ जाए, भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। भक्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझ रहे ना मोहसिन भाई, हमको लखनऊ से लेके आए, 1:35 पर मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट आधे घंटे लेट हो गई, तो हम रिसेप्शन वाले के पास गए, हमने कहा भैया ये इंडिगो फ्लाइट है कब आएगी, दुबई जाना है, तो उसने कहा आज नहीं आएगी। तो हमने कहा स्पाइस जेट आएगा, उसने कहा वो भी नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। तो भक्तों से हम बहुत परेशान हैं, बहुत मैं परेशान हूं भक्तों से, पता नहीं कहां मिल जाए तो वक्त और भक्त, ये कब मिल जाए भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। इस समय टीवी में डिबेट चल रहा है, आप घर में देखिए डिबेट लगाइए, तो सामने बीजेपी वाले बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं कांग्रेस वाले, दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, सामने वाला कहता मैंने किया। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, कांग्रेस का पति है, और मजा आ जाए आपको तो ताली बजा के मुझे बताइएगा, थी बीजेपी से पत्नी, थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे, कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों वर्षाल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। क्या तो कहने? बहुत बढ़िया सुनना, मजा आ गई है। 4 पंक्ति आपको व्यंग की सुना रहा हूं। बेटा बोला बाप से काम करोगे, और 4थी पंक्ति व्यंग की, दुबई में अगर सटायर नहीं सुना जाएगा तो पूरे देश में कहीं नहीं सुना जाएगा। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा आडवाणी नहीं हूं। बहुत अच्छा सर सुनना है आप, और आगे के बड़े लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं उत्तर प्रदेश का साहब हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमारे रेहान सर भी हैं, लोग बड़ी तोहमत लगाते हैं, कहने यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े आलसी होते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के,
तो लोगों ने कहा कि स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। तो सर मुझे बहुत खराब लगा, मैंने उनको अंतर बताया। हमने कहा असल में ऐसा है, हरियाणा के बच्चों में, पंजाब के बच्चों में और उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है वो मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, फिर जिम जाता है, फिर वॉक करता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के लड़के एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर शाम को आके 7-8 बजे वो सो जाता है, फिर 7-8 लड़कों के साथ जब वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब नमस्कार, पहचाना, सुबह मिले थे। तो दरोगा सोचता गुरु इस समय इसके मुंह ना लगो, इस समय तो ये नशे में है। दरोगा फोन ऑफ कर देता है। रात में वही दरोगा मारते मारते उसको चौकी लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर गुड्डू भैया की तोड़ाई होती है, 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, उसके बाद वो लेता है 2nd-hand स्कॉर्पियो 1,80,000 की। उसके बाद वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में अगर गर्म पूरी ना मिली तो वो गोली चलवा देता है। अच्छा गोली चलवा चुका होता है इसलिए विधायक की टिकट तो उसको मिलनी मिलनी है, फिर उसको विधायक की टिकट मिल जाती है, फिर वो मंत्री बन जाता है, उसके बाद वो फीता काटता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग रेहान सर की तरह फीता काटने वाले हैं ना कि कसरत करने वाले, तो आप ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार। तो मैं बता चुका साहब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा मजनुओं पर लठ चले, तो मैंने 4 लाइन लिखी, प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूँ कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। 4th लाइन में अगर मजा आ जाए तो मुझे फिर आशीर्वाद देना आप। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं, इतनी इमोशनल होती कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की ने हमको मैसेज किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, बताओ क्या भेज दें। सही बता रहा हूं मैं आपको, ताली जोरदार बजाइए एक बार। हाँ तो साहब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं आपको। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान के चक्कर में एक बार हम लगे थे वो नुकसान करके चली गई, फिर हम रोशनी में शिफ्ट हुए तो 1.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। तो मैं तो साहब हास्य कवि हूं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता है, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, रिश्ते हमारे घर पे आते हैं केवल इतना पता चल जाए कि लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है, बोले इसके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि, बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि, बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है, रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है, हमारी माँ का कवि है, बोले शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माने का मंजूर क्यों, वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि हमारी लड़की पागल है। तो तमाम पर शादियां हमारी लौट गई, पर एक दिन सर हमारी शादी तय हो गई लखनऊ में मुंशी पुलिया के पास में। तो पिताजी का बेटा ऐसा है सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखना, शादी फाइनल, हम 11 बजे नहा धोके सूट वूट पहन के तैयार। पिताजी का ठीक 11:15 बजे फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है कि हम होने वाली लड़की को नहीं देख पाएंगे, तुम अकेले चले जाओ और शादी फाइनल, पर एक बात याद रखना ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये घर की परंपरा है पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके चले जाते हैं, तुम भी कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते जब कैंसिल हो गए, तो सही बता रहा हूं सर एक दिन हमारी शादी हो गई, आपको भरोसा ना हो तो आप हासिम भाई से पूछ लेना, हमारी बारात आई थी उस दिन, भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये वाला नहीं इसके पहले वाला, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी थी, तुमने पिताजी से कहा आज की शादी ना करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो।
तो उन्होंने नहीं माना, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेटे सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहा छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कहा आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे हैं, इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी, तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूपनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूपनखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूपनखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूपनखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना। उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। तब से सब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली आप बजा सकते हैं जोरदार। तो हमारे साथ तो सब ये होता है। बड़े शायरों तक हम लोगों को पहुंचना है, समय की अपनी सीमा है। एक आधे मिनट का व्यंग आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगे मैंने हंसाते हुए कुछ आपकी बात कर दी है, पूरे देश की बात कर दी है, तो मुझे अपनी तालियां और आशीर्वाद के साथ मुझे दुआ देकर मुझे विदा कीजिएगा। कि एक रात जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा और उसे कान में डांटा। हमने कहा शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो, खामखा उनका खून चाटते हो। जब खून ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या जिएगी, सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी का खाक पिएगी। फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं, खून पीने में तो मच्छरों से बड़े हैं। जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपए और बढ़ाता है तो एक आम आदमी का खून 100 ग्राम कम हो जाता है, उस पर भी तुम कितने जुझारू हो, बचा हुआ खून पीने पर उतारू हो। मच्छर बोला शर्म की बात करते हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा। है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा। पर तुम तो आदमी होके आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। तुम तो आदमी होके आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर और मस्जिद को लड़ाया नहीं, किसी छप्पर को मैंने जलाया नहीं, मेरे द्वारा किसी की नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी, मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म का जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है ये मुसलमान, काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है ये मुसलमान। और ये माना कि दूध का जला हूं, मच्छर हूं भाई साहब, तुम इंसानों से भला हूं।